अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिस फॉर और टोपोलॉजी की डेफिनेशन सीखी थी और हमने एग्जांपल्स की थी जिसमें हमारे पास कोई एक टोपोलॉजी गिवन होती थी किसी सेट पर और उस टोपोलॉजी के लिए हम उसकी बेसिस कंप्यूट करते थे, यानी कि वो कलेक्शन हम उसमें से ले लेते थे जिनके एलिमेंट्स का यूनियन लेने से टोपोलॉजी के एलिमेंट्स बनते थे। ठीक है, आज अगेन हम बेसिस की ही डेफिनेशन सीखेंगे लेकिन एक और पर्सपेक्टिव से। आज हम ये चाहते हैं कि किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स के लिए, हमारे पास कोई भी एक सेट एक्स है विच इज़ नॉन एम्प्टी ऑफ कोर्स, और हम उसकी सबसेट की कलेक्शन लेते हैं, उसको अगेन हम बी से इग्नोर करते हैं। ठीक है, हम ये देखने में इंटरेस्टेड हैं क्या कोई भी कलेक्शन उस पर डिफाइन की गई जो है वो बेसिस बन सकती है टोपोलॉजी के लिए, कोई भी टोपोलॉजी एक्स सेट पर, या उसके लिए कोई भी कलेक्शन टोपोलॉजी बेसिस बन सकती है या नहीं बन सकती। दोबारा सुन लें, किसी एक सेट एक्स के लिए हमने उसकी कलेक्शन ली है, लेट्स से बी इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, क्या ये कलेक्शन एक्स पर डिफाइन होने वाली किसी टोपोलॉजी के लिए बेसिस बन सकती है? तो इसका आंसर आज हमने लेना है। सो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास जो सेट है, पहली कंडीशन तो हमें लास्ट डेफिनेशन से भी ये पता चली थी कि जो सेट एक्स है ये इक्वल किसके आना चाहिए, बीटा के एलिमेंट्स के यूनियन के। क्यों इसके इक्वल आना चाहिए? क्योंकि एक्स तो हर टोपोलॉजी में ओपन होता है हमारे पास। ठीक है, एक्स हर टोपोलॉजी में ओपन होता है, इसलिए ये बीटा के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से जनरल लिख लेते हैं इसको बी सच दैट, और ये बी जो है ये बिलोंग कर रहा है बेसिस से। ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट्स का यूनियन लेने से हमारे पास सेट एक्स आना चाहिए, ये हमने लास्ट डेफिनेशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। और वैसे भी एक्स जो है वो हर टोपोलॉजी में बाय डेफिनेशन ओपन होता है, तो ये तो एटलीस्ट यूनियन से बनना चाहिए। अब आगे हम एक एग्जांपल करते हैं और उसमें देखेंगे क्या कोई और भी कंडीशन है या दिस इज़ इनफ। ठीक है, तो एग्जांपल में हम एक आर्बिट्रेरी कोई सेट ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास एक सेट एक्स है, तीन एलिमेंट का सेट है इसमें, लेट्स से मैं 1, 2, 3 ये तीन एलिमेंट्स ले लेता हूँ, और इस पर जो मैं कलेक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट्स से जी बीटा इज इक्वल टू, इसमें एक सबसेट एक्स का ले लेते हैं 1, 3, और दूसरा जो हम इसमें लेना चाहते हैं दैट इज लेट्स से 2, 3। ठीक हो गया। ओके, तो अब देखें 1, 3 का यूनियन लेंगे 2, 3 के साथ तो हमारे पास कंप्लीट सेट एक्स आ रहा है। इसका मतलब है जो हमने ऊपर कभी राइट डाउन की है कंडीशन वो तो इस केस में सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू द सेट एक्स। अब आगे आप अगर ऑब्जर्व करें तो बेसिस जो होती है उसके एलिमेंट्स, यानी कि इस केस में 1, 3 और 2, 3 ये इनफैक्ट ओपन होते हैं। ठीक है, ओपन क्यों होते हैं? क्योंकि ये टोपोलॉजी की हमेशा सबसेट होती है। सो अगर ओपन होते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी इसी से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, ओपन होते हैं तो इंटरसेक्शन क्या होगा? फर्ज करें ये दोनों ओपन है। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन है वो हमें पता है वो भी टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन क्या आता है उसको पहले कंप्यूट कर लेते हैं। 1, 3 का इंटरसेक्शन आता है जी 2, 3 के साथ, दोनों में 3 जो है वो कॉमन है, तो दैट इज इक्वल टू 3। अब आप देखें क्या इस बी के एलिमेंट्स का यूनियन लेने से ये 3 आ रहा है? ऐसी पॉसिबिलिटी कोई बनती है कि इसके एलिमेंट का यूनियन लिया जाए तो 3 बन जाए? तो आप देख लें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। 1, 3 का यूनियन 2, 3 के साथ लेंगे वो सिंपली एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल की मदद से हम इसकी डेफिनेशन को ज़रा रीराइट करते हैं, उसमें किसी चीज़ का एक्सटेंशन करते हैं। सो अब जो हम डेफिनेशन स्टडी करने लगे हैं वो एक और पर्सपेक्टिव से, बेसिस फॉर टोपोलॉजी की ही डेफिनेशन है, और सो इसको राइट कर लेते हैं जी। फॉर एनी सेट एक्स, लेट्स से जी हमारे पास कोई भी सेट एक्स हो सकता है नॉन एम्प्टी, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स द कलेक्शन, एनी कलेक्शन, अगेन उसको हम बी का ही नाम दे देते हैं जी, एक कलेक्शन लेट्स से बी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ये भी बताना जरूरी है कलेक्शन में बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स में क्या पड़ा हुआ है, बी में क्या पड़ा है, सबसेट्स ऑफ एक्स पड़े हुए हैं। इज अ बेसिस, इज अ बेसिस,
ठीक है, फॉर टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है, हम टोपोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, किसी सेट एक्स के लिए हम उसके सबसेट की कलेक्शन लेंगे, वो बेसिस कब बनेगी, अगर वो ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। दो कंडीशन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन में ये है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए, हर एलिमेंट के लिए, वी हैव एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए देर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू, देर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू द कलेक्शन, ठीक है, इसको हमने बी का नाम दिया हुआ, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमें क्या चीज़ इंश्योर करवाती है, जो अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी एक लिखी है, इनफैक्ट इसका यही मतलब है। ये देखें, एक्स के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास कोई ना कोई बेसिस का एलिमेंट पड़ा होगा जिसमें एक्स मौजूद है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप तमाम बेसिस के एलिमेंट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास सेट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही हमने जरा रीराइट करके ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। सो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसके लिए हम लिखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। दो कंडीशन है किसी कलेक्शन बीटा के किसी एक्स की टोपोलॉजी की बेसिस होने के लिए। सो जो सेकेंड कंडीशन है वो लिख लेते हैं, जी कलेक्शन जो हमने बी लिखी है उसके अंदर से कोई भी हम अगर दो एलिमेंट्स लें, लेट्स से जी फॉर एनी, लेट्स से बी वन बी टू बिलोंग्स टू द कलेक्शन जिसका नाम है बी, ठीक है, कोई भी दो हम एलिमेंट्स ले लें, बी वन इंटरसेक्शन बी टू, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, सिंपली इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, ठीक हो गया। बीटा कह लें, इसको बी कह लें। अब देखें ना, ऊपर हमने क्या लिखा था, अभी जो एग्जांपल की है इसमें देखें, उस वो बेसिकली यही चीज़ बताना चाह रहा है जो भी हमने ऊपर हमें ऑब्जर्व किया, वन थ्री का इंटरसेक्शन लिया टू थ्री के साथ, ठीक है। सो इसको अगर आप बी वन कह लें, इसको बी टू कह लें, हमारे पास आता है थ्री, तो ये यूनियन नहीं बन रहा बी के एलिमेंट्स का। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी है कि कोई भी आप बेसिस के दो एलिमेंट लें, उनका इंटरसेक्शन जो भी एलिमेंट आएगा, एक नेक्स्ट जो भी सेट आएगा, दैट इज़ बेसिकली इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, ठीक है। सो इसी कंडीशन को अगर आप थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लिखने का एक और वे भी इसको ये है कि बी वन बी टू अगर बिलोंग करते हैं जी कलेक्शन से, वी हैव कोई भी बी वन बी टू हो सकते हैं ऊपर वाले की तरह, इफ एक्स बिलोंग्स टू, अगर कोई एक एलिमेंट जो है वो इनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, बी वन इंटरसेक्शन बी टू से अगर कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, लेट्स से उसको एक्स का नाम दिया है, देन क्या होगा, देन देर एग्जिस्ट सम बी थ्री, देर एग्जिस्ट सम बी थ्री बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन, ठीक है, सच दैट, नीचे लिख लेते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी थ्री एंड दैट इज अ सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू, ठीक है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने ऊपर लिखी थी इसी को ही रीराइट किया हुआ है, ठीक है। बी वन बी टू कोई भी इस कलेक्शन से एलिमेंट हैं, देन अगर उनमें से कोई एक्स बिलोंग करता है, देन अगेन बी थ्री भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए कि एक्स उससे बिलोंग करे बी थ्री से, और बी थ्री जो है वो बी वन इंटरसेक्शन बी टू का सबसेट हो गया, ठीक हो गया। ओके, सो अब हम इसी को ही ज़रा विजुलाइज करके देख लेते हैं। लेट्स से जी हमारे पास ये कोई एक स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल जी ये कोई एक्स एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और देन वी हैव समथिंग लाइक, फर्स्ट करें जी ये बी वन है, ठीक है, और बेसिस एलिमेंट जब भी हमने ऊपर लिया और इसको हम लिख देते हैं दैट इज बी टू, ठीक है। देन इसमें से कंटेन करने वाला हर एलिमेंट, लेट्स से मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से एक्स इसका नाम है, इसके अलॉन्ग भी एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जिसको हमने बी थ्री का नाम ऊपर दिया हुआ है कि वो बी वन इंटरसेक्शन बी टू में कंटेन करे। सो ठीक है, ये इसकी विजुलाइजेशन है। सो ये डेफिनेशन है ज़रा किस तरह से हम इसको देखेंगे
कोई भी सेट एक्स हमने लिया, देन कलेक्शन बीटा ली, बीटा एक्स पर डिफाइन की जाने वाली किसी टोपोलॉजी की बेसिस कब बनेगी, जब ये दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होंगी, ठीक हो गया। सो अब इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। ओके सो एग्जांपल के लिए हम थोड़ा ज्योमेट्री की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, लेट्स से यदि मैं टू डायमेंशनल, ओके ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस आ जाते हैं, और इसी तरह से ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ जाते हैं, और इनको एक्स का नाम दिया जाता है, टू डायमेंशनल सिस्टम है ना ये, और इसी तरह से इसको वाई का नाम दिया जाता है। एक्स जो है वो रियल एक्सिस होता है, और जो वाई है वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है। ओके तो अब हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास आर टू है, ठीक है, रियल नंबर जो होता है आर टू, जो बेसिकली होता है वो दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर विद इटसेल्फ, ठीक हो गया। सो अब हम आर टू में रहते हुए अगर हम तमाम के तमाम सर्कुलर रीजन्स ले लें, एग्जैक्टली तो शायद ना ड्रा कर पाऊँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जी ये वाले, ठीक है, सर्कुलर जितने भी एग्जिस्ट करते हैं आर टू में, तमाम के तमाम सर्कुलर रीजन्स ले लूँ, ठीक है, यानी कि इनके इंटीरियर्स लेंगे, बाउंड्री ऑफ कोर्स नहीं शामिल होगी, देन ये बेसिकली आर टू पर एक टोपोलॉजी की बेस बनाएगी, ठीक है। क्यों बेस बनाएगी, क्योंकि हमारे हर दो ओपन सेट्स के लिए, हर दो इनके लिए सर्कुलर रीजन्स के लिए, लेट्स से जी मैं ये एक और सर्कुलर रीजन यहाँ पर ले लेता हूँ, हमें इसके अंदर एक और सर्कुलर रीजन मिल जाएगा, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन के अंदर हर पॉइंट के अलोंग, ठीक हो गया। सो मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमने आर टू एक लिए स्पेस, उस पर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम बीटा जो है इस केस में, बीटा को हम क्या लिख दें यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स, ये हमारी बेसिस सर्कुलर रीजन्स। सो ये बेसिस बनेगी जी आर टू पर, और बेसिस बनेगी और आर टू पर ये टोपोलॉजी डिफाइन करेगी। और आप देख रहे हैं कि हमने आपको ये भी वेरीफाई करवा दिया कि ये जो ऊपर दो प्रॉपर्टीज लिखी हैं इस केस में वो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होंगी, ठीक हो गया। सो ये हमने टोपोलॉजी डिफाइन की आर टू पर यूजिंग कलेक्शन यूजिंग सर्कुलर रीजन्स, ठीक है। ओके तो अब हम इसी की एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन ये एक रेक्टेंगुलर रीजन दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक हो गया, अगेन वही आर टू पे, मतलब आर टू है ये आर क्रॉस आर, और अब की बात जो हम इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करने लगे हैं, दैट इज बेसिकली जितने भी रेक्टेंगुलर रीजन बनते हैं ना, लेट्स से जी कुछ इस तरह से, ठीक है, जितने भी इस तरह के इस प्लेन में रेक्टेंगुलर रीजन बनते हैं जो कि ऑफकोर्स इनफाइनाइट होंगे, और एक और इंपॉर्टेंट बात की इनकी जो साइड्स हैं, ठीक है, इनकी साइड्स हैं वो एक्सिस के पैरेलल होंगी, यानी कि देखें ये जो साइड हमारे पास आ रही है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो साइड आ रही है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इस तरह के जितने भी हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन्स बनेंगे वो तमाम के तमाम की जो कलेक्शन होगी वो भी आर टू पर एक टोपोलॉजी बनाएगी, ठीक है। लेट्स से जी मैं एक और रेक्टेंगुलर रीजन ले लेता हूँ यहाँ पर, दिस वन, ठीक है, लाइनें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएं तो डोंट वरी, हमने तमाम वो रीजन्स लेने हैं जिनकी साइड जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब देखें इन दोनों के इंटरसेक्शन में अगेन हर पॉइंट के लिए हम एक रेक्टेंगुलर रीजन ले सकते हैं, अगेन ऊपर वाली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बनेगी आर टू पर, ये भी टोपोलॉजी बनेगी, और इस केस में हमारे पास जो बीटा आएगा दैट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ आर ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स, ठीक हो गया। तो ये दो टोपोलॉजीज हमने उस डेफिनेशन के एग्जांपल के तौर पर स्टडी की हैं। अब आगे हमने एक थ्योरम स्टडी करते हैं। ओके सो थ्योरम को स्टडी करते हैं, फर्स्ट करें आपके पास लेट्स से इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो फर्स्ट करें आपके पास कोई भी दो कलेक्शन है, लेट इनफैक्ट बेसिस है, लेट बीटा
एंड बीटा स्टार, बी एंड बी स्टार, ये दो बेसिस हैं, बी द बेसिस फॉर द टोपोलॉजी इज टी वन, फॉर द टोपोलॉजी इज लेट्स से टी और टी स्टार ही ले लेते हैं हम भी, टी एंड टी स्टार रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी कि जो बीटा है, ओके सो जो बीटा है वो बेसिस है टी के लिए, और जो बीटा स्टार है वो हमारे पास बेसिस बनती है टी स्टार के लिए, ठीक है। देन बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन बनती है इफ एंड ओनली इफ के साथ, अगर आपके पास लेट्स से जो टी स्टार है अगर वो फाइनर है, इफ टी स्टार इज फाइनर देन टी, फाइनर का मतलब क्या है, से बड़ी टोपोलॉजी है, टी को अपने आप के अंदर कंटेन करती है, यानी कि टी स्टार इनफैक्ट दिस इज अ सुपर सेट ऑफ टार, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ टी स्टार इज अ फाइनर देन टी, इफ एंड ओनली इफ यानी कि नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है, इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के हर एलिमेंट के लिए, एंड ईच बेसिस एलिमेंट बी, लेट्स से जी बी से नोट करते हैं हम, बी बिलोंग्स टू बी, और बी ये यहां पर क्या है, ये बेसिस है टोपोलॉजी टा के लिए, ठीक हो गया। ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ईच बेसिस एलिमेंट बी विच कंटेंट नॉट कंटेंट विच कंटेनिंग एक्स, एक्चुअली जिसके अंदर एक्स मौजूद है जो अभी हमने एक्स लिया है, ठीक है। देर इज अ बेसिस एलिमेंट, लेट्स से देर एग्जिस्ट सम बेसिस एलिमेंट बी स्टार जो कि टी स्टार की बेसिस में मौजूद होगा, वी हैव सच दैट, सॉरी वी हैव एक्स बिलोंग्स टू बी स्टार एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखें इसको, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं जरा। हमने टोपोलॉजीज ली थी दो, एक्स ली है और दूसरी हमने ली है जी एक्स स्टार, सॉरी एक टा ली है और दूसरी हमने ली है जी टा स्टार, और इनके कोरस्पॉन्डिंग इनकी बेसिस भी ले ली है, बी टा के लिए बेसिस और बी स्टार जो है वो टा स्टार के लिए। अब देखें हमने ये कंडीशन लगा दी पहले जी, टी स्टार है ना जो वो बड़ी टोपोलॉजी है और टा जो छोटी है, ठीक है। टा स्टार कौन सी है, बड़ी टोपोलॉजी है और टा छोटी है। इनके बेसिस एलिमेंट होंगे ना, अगर जनरली बात करें द बेसिस एलिमेंट होंगे उनका बिहेवियर ऑपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि जो बी स्टार उसके बेसिस एलिमेंट जो छोटे होंगे और जो बी है उसके बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट था, यानी कि टी स्टार जो इनफैक्ट बड़ी टोपोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि टोपोलॉजी जितनी अगर बड़ी होगी ना उसके जो बेसिस के एलिमेंट्स होंगे उनकी लेंथ उतनी छोटी होगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर देखें, हमने जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए बेसिस स्टडी की थी उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी सेट ऑफ ऑल सिंगलटन एलिमेंट्स बनते हैं वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जनरेट करते हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सेट ऑफ जो होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए सिंगलटन एलिमेंट्स उनकी लेंथ छोटी है, सब एक एक एलिमेंट है, लेकिन टोपोलॉजी सबसे बड़ी जनरेट करते हैं। सो बेसिस के एलिमेंट की जितनी आप लेंथ बड़ी करते जाएंगे वो टोपोलॉजी उतनी छोटी जनरेट करेंगी, ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स जो हैं वो इसी पर करेंगे कि कैसे ये चीज़ प्रूव होती है। इसका प्रूफ तो नहीं करेंगे लेकिन इसके एग्जाम्पल्स के थ्री जरिए इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।